हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, फोन हमारे ब्लॉग्स पे। तो गाइस, मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ आज, और मैं बहुत दिनों बाद चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा चूल्हे पे बनाने का काम है ही, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही थी क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा था, मैं नहीं बना रही थी। तो आज बरसात का मौसम, मुझे सही लगा कि बरसात का मौसम भी ख़त्म हो गया फिलहाल तो, लगभग मुझे लगता है, लेकिन अभी भी फिर भी बरसात आ ही रही है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ तो भी बरसात के छांटे आ ही रहे हैं, तो मैं सोचती क्यों ना भाई आज चूल्हे पे बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैं खाना चूल्हे पे बना रही हूँ, और मैं वैसे तो सोचती भाई रोज़ के रोज़ मैं बना लूँ चूल्हे पे, लेकिन बच्चे नहीं रह पाते तो मैं नहीं बना पाती हूँ। रोज़ ही सोचती भाई आज ये बना लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो आज बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे तो मैं सोची क्यों ना बना ले। तो गाइस, यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ और मैं बना रही थी आलू का भुजिया। तो मैंने कभी आपको शेयर नहीं किया है आलू का भुजिया मैंने, लेकिन आज मैं आपको शेयर करूँगी मेरा आलू का भुजिया जो मैं बचपन से खाते आ रही हूँ। सभी मेरे यहाँ तो मैं सभी खाते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही मुझे फेवरेट है मेरा, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में भी टिफ़िन मेरे लिए जाती थी और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ज़्यादा मेरी मम्मी के हाथ का पसंद है। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं काट रही हूँ आलू का भुजिया, यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो रहा है। तो जब तक दूध गर्म हो रहा था तो मैं यहाँ पे आलू काट रही थी आलू का भुजिया। तो यहाँ पे हो चुका है मेरे साथ बहुत ही बड़ा कांड, आप देख सकते हो पूरा दूध गिर चुका है। तो गाइस, मैं हमेशा ही सोचती हूँ कुछ ना कुछ ये काम कर लूँ तो वो काम नहीं कर पाती हूँ। और ये मेरे साथ नहीं, हर औरत के साथ और हर मम्मियों के साथ होता है। तो होता ही है कि अगर वो सोचते हैं भाई आज ये काम ख़त्म कर दे तो ये दूसरा काम कर ले, लेकिन वो काम ख़त्म, बस वो काम सोचते ही लेकिन वो काम ख़त्म नहीं हो पाता है, फिर उसको अगले दिन ही काम को कर पाते हैं। तो मैं हर चीज़ के लिए बताती हूँ, जैसे कि आज सोचना होता है कि भाई आज कपड़े समेट ले चाहे और कुछ कर ले तो नहीं हो पाता है, मतलब कुछ ना कुछ दूसरा काम आता है तो, लेकिन वो काम पड़ा रह जाता है, ये हर किसी के साथ होता है। तो यहाँ पे मैं आलू को धो चुकी हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर मैं डालूँगी तेल और उसके बाद जीरा, और थोड़ी बहुत चलाने के बाद इसके अंदर क्या कहते हैं हल्दी मिर्ची डाल देना और कुछ नहीं करना, 5 मिनट के बाद ये हो जाता है। तो आप वीडियो के अंदर बने रहे और देखते रहें। तो गैस, काफ़ी दिनों बाद मैं अभी बहुत दिनों बाद खाना मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना रही थी, मैं काफ़ी दिनों बाद मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ क्योंकि बरसात का मौसम था, इसमें बनाने के थे। और आज भी बरसात आ रही, मैं आज मैं चूल्हे पर खाना बना रही हूँ तो आज भी बरसात आ रही है, आपको मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं आ रही लेकिन फिर भी बरसात आ रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया जो सिर्फ 2 मिनट के अंदर, मान लो 2 से 5 मिनट तक बन के तैयार हो जाता है। और मैंने देखो मैंने काटा था और बनाया, बस बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप लोग ट्राई करना। यहाँ पे मेरा बन चुका है, मैं इसमें मिर्ची डालूँगी, मिर्ची पाउडर, उसके बाद रेडी है मिर्ची पाउडर मैं लास्ट में डालती हूँ, इसमें डालूँगी क्योंकि खांसी ना चले। और फिर यहाँ पर आटा लगाऊँगी मैं और फिर रोटी बनाऊँगी। यहाँ पर आ चुकी है देखो बरसात। तो गैस फाइनली बन के रेडी हो चुका है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। तो यहाँ पे मेरे सब्जी बना लिया, दूध गर्म कर लिया, यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी। जो रोटी में जैसे कि चूल्हे में सेक करके रोटियाँ बनाते हैं वैसे मुझे नहीं आता है, तो मैं तो इतना ही आटा लगाती हूँ, हमारे लिए इतना ही आटा काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ। तो
रोटी जैसे मैं आपको बताई जो चूल्हे के अंदर सेकते हैं वैसे मुझे रोटी बिल्कुल भी पसंद क्या मुझे आता ही नहीं बनाना, लेकिन मुझे वैसे रोटियां पसंद है। तो ऐसी रोटी किसको पसंद, चूल्हे की रोटी किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। तो और मेरे घर में तो सबको ही पसंद है जैसे कि, और यहाँ पे सभी लोग चूल्हे पे ज़्यादातर बनाते हैं गांव के अंदर, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ फुला रही थी तो आप लोग गैस, उसके बाद मैं रोटी वगैरह सब कुछ बना ली थी, खाना वाना सब बना लिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं जो आटे का जो परात होता है वहाँ पे मैं धो रही थी, और यहाँ पे मैं छोटी वाली बेटी भी आ गई थी, वो बाहर खेलने गई हुई थी सबके साथ। तो अब ये भी आ गई थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मतलब चूल्हे पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना, इसलिए मैं जल्दी चूल्हे पे नहीं बना पाती हूँ क्योंकि साथ में बच्चे भी रहते हैं। तो गैस आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मतलब चूल्हे पे बनाई थी, और यहाँ पे अक्षुत को देख सकते हो। बाय।